देखिए, हरियाणा सरकार के अपराधियों पर शिकंजा कसने के आदेश अनुसार हमने अलग अलग अपराधियों पर जो भी ये अवैध तरीके से कमाई करके और अवैध जिन्होंने प्रॉपर्टियां बना रखी थी उन पर कार्यवाही की है। और इसी क्रम में हमने जो राहुल पुत्र अकबर निवासी पल्ला गांव, इसके मकान को इसने नहर पार पल्ला गांव में ही, नहर पार एक अवैध कॉलोनी है, वहाँ पर करीब एक दर्जन इस पर एटीएम चोरी के मुकदमे हैं और पुलिस कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देने के, चोरी का माल लेने के और गौ तस्करी के। इन मुकदमों में या ऐसे अपराधों में संलिप्त होकर के अवैध तरीके से कमाई करके इन्होंने नहर पार अवैध प्रॉपर्टी बनाई हुई थी, जिस पर हमने कार्यवाही की। इसलिए भी दो कार्यवाही हो चुकी हैं, एक फिरोजपुर झिरका में और एक वाजिदपुर में। आगे भी इस तरह की कार्यवाही जारी रहेंगी ताकि अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी जा सके।